assets. We are doing examples. Please come to page number 15. And whatever you will be writing, whatever I will be doing on the blackboard, you will write it in your textbook. This is to be done in your textbook, children. Now, the town newspaper is published every day. One copy has 12 pages every day. 11,980 copies are printed. How many total pages are printed every day? So, children, we have to find the total pages. We have to find the total pages. Right? So, whenever we have to find the total pages, we have to either add or multiply. Now, it says, the question says, the town newspaper is published every day. One copy has 12 pages. So, one copy. Bache? Excuse me. There are 12 pages in one copy. One copy has and how many pages? Achha, bache, ye explanation jo hai, you can write it in the space given in your textbook. 12 pages. और उन्होंने कितनी कॉपीज प्रिंट होती है हर एवरी डे. सो एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड. 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड एवरी डे. नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड एवरी डे. प्रिंटेड एवरी डे. Number of copies are minimum. So it is 11,980. So you tell me ki how many pages are printed every day. Bache, agar ye ek copy hai na bache, agar ye ek copy hai, this is one copy. Now every copy is having how many pages? 12 pages. तो इसी तरह से पूरे दिन में बच्चे एक कॉपी ऑफ प्रिंट नहीं होगी ना, एक से ज्यादा कॉपी प्रिंट होगी. हाउ मेनी कॉपीज ऑफ प्रिंटेड? इट वाज 11,980. नाउ दे आर आस्किंग अस दैट द टोटल पेजेस दैट आर प्रिंटेड एवरी डे. सो टोटल पेजेस प्रिंटेड एवरी डे, राइट बच्चे, ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 12 into 11,980 copies into 12, because each copy is having 12 pages. So, see, how many pages होंगे? तो हम इन्हें multiply करते हैं बच्चे. Now I'm doing the calculation part of it, children. 11,980 into 12 करना है बच्चे. तो बच्चे इस zero को तो आप पहले भूल जाओ. 12 से मल्टीप्लाई कर दो. 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 19, 2 1 जा 2, 3, 2 1 जा 2. Now, क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन है तो इस नंबर को सेम लिखो. 1, 1, 9, 8, 6, 9 plus 8, 17, 3 plus 1, 4 plus 9, 13, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, and 1, 4, 3. 7, 6. बच्चे यहाँ पे एक जीरो हमने इग्नोर किया था, तो दैट विल बी पुट ओवर हियर. सो कितनी कॉपीज प्रिंट होगी? 1, 4, 3, 7, 6, 0. कितनी कॉपीज प्रिंट होगी? इतनी पेजेस प्रिंट होंगे एवरी डे. नाउ यू विल मेक एन एडिशन टू द क्वेश्चन. प्लीज मेक एन एडिशन टू द क्वेश्चन. यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे इसमें बच्चे. एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे बच्चे हम यहाँ पे. इज द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, if the cost of printing the cost of printing one page comes to 0.25 rupees. Find the total cost of printing all the pages. Find the cost of printing pages in a day. Pages in one day. यानी एक दिन में कितना कॉस्ट इंकर करेगी प्रिंटिंग प्रेस.
हमें पता है एक दिन में बच्चे 143760 पेजेस प्रिंटेड होते हैं. सो वी विल राइट द आंसर टू द वी विल गिव द सॉल्यूशन दैट एवरीडे नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड एवरीडे इज 143760 नंबर ऑफ पेजेस नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड इन वन डे इन वन डे. ये कितने हैं बच्चे? It is 143760. 143760. Now, the cost come to as rupees 0 to 5. So अगर मैं एक पेज प्रिंट करती हूँ बच्चे, तो उस एक पेज को प्रिंट करने का कॉस्ट है 0.25 रुपीस. So बच्चे you will write cost of printing 1 page. ये क्या है बच्चे? रुपीज 0.25 यानी 25 पैसे यानी 25 पैसे. नाउ कम टू दिस साइड चिल्ड्रन. सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग? सो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग फॉर वन डे, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग फॉर वन डे ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 143760 143760 into 0.25. बच्चे सबसे पहले सब लोग ये कॉपी कर लो. इफ दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ना बच्चे, तो ये आप क्लियर कर लो. प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड राइट इट इन योर टेक्स्ट बुक. जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो भी आपको कैलकुलेशन दी गई है ना बच्चे, उसे अच्छी तरह से समझ लो एंड राइट इट इन योर टेक्स्ट बुक इफ यू वांट. बच्चे एक्सप्लेनेशन तो आपको दी गई है, एक्सप्लेनेशन तो आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है, फिर भी इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट दिस एज अ सॉल्यूशन. जहां पे स्पेस गिवन है आपके टेक्स्ट बुक में वहां पे लिख लीजिए. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन बच्चे, ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस कैलकुलेशन. द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग फॉर वन डे विल कम टू एज इतनी कॉपीज प्रिंट में 143760 और पर पेज जो कॉस्ट है दैट इज 0.25 उससे मल्टीप्लाई किया व्हाट इज द नंबर. नाउ 0.25 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं ना बच्चे. 143760 अब इनटू 1/4 करो या फिर इनटू 1/4 कर दो, बात तो एक ही है बच्चे. फिर उसके बाद ऐसा हम डिवाइडेंगे बच्चे. सॉरी चिल्ड्रन, हमें मल्टीप्लाई हां यस वी हैव टू मल्टीप्लाई. तो नाउ दिस कैलकुलेशन जो है हमें 4 से डिवाइड करना है. 1 4 3 7 6 0 डिवाइडेड बाय 4 3 12 2 बचा 3 आया, 4 5 20 3 बचा 7 आया बच्चे, 4 9 36 कोई बात नहीं, 8 बचा 16 आया. तो 4 4 16 होता है बच्चे और एक यहाँ पे 0 है तो हम ऊपर 0 लगा देंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन. I hope the division is clear to you. The cost of printing for one day comes to as rupees. So, yahan pe aap likhenge is equal to rupees 35940. 35940. अपनी नोटबुक में, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एडिशनल क्वेश्चन दिया है. इफ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग वन पेज कम्स टू 0.25, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग पेजेस इन वन डे. फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग पेजेस इन वन डे. तो इसके लिए इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू नो कि एक डे में कितने पेजेस प्रिंटेड होते हैं, वो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया. 143760. नाउ कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग वन पेज इज गिवन.
वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 1,3760 हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया और फिर उसके बाद आंसर निकाल लिया। मैम बच्चे यू हैव टू राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक ओनली। एक एडिशनल क्वेश्चन आप क्वेश्चन के साथ में लिखोगे। ये जो क्वेश्चन मैम ने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाया है ना बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये आप ऑन पेज नंबर 15 पे, पेज नंबर 15 पे जो एग्जाम्पल थ्री का क्वेश्चन है उसी के साथ में लिख लो बच्चे, और इसका जो आंसर है वो आप पेज नंबर 16 यहाँ पे बच्चे काफी स्पेस रहता है आपके पास टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन, एग्जाम्पल नंबर 3 मेंशन करके उसका जो एडिशनल क्वेश्चन है उसका आंसर मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। पेज नंबर क्या है बुक का? पेज नंबर 15। Now, let us discuss question number, example number 4 children. Let us discuss example number 4. बच्चे सभी लोगों ने लिख दिया है, आई एम डन विद दिस क्वेश्चन, हैव यू रिटन द आंसर टू द क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन यू, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन आर यू डन। अगर आप डन हो तो मैं ये वाला क्वेश्चन रखूंगी, ये वाला क्वेश्चन रख कर दूंगी। इफ यू आर डन राइटिंग दिस नोटबुक आई विल रब दिस क्वेश्चन बच्चे। ओके मोस्ट ऑफ यू हैव डन। तो
तो सबसे पहले लेट अस फाइंड कि हमारे पास में टोटल शीट्स कितनी है। तो हमारे पास में जो शीट्स अवेलेबल है ना बच्चे, शीट्स अवेलेबल थी, हमारे पास में जो शीट्स अवेलेबल है बच्चे वो है 75,000 बच्चे वो है। मैं ऑब्जेक्ट टू द कैमरा, मैं ऑब्जेक्ट टू द कैमरा ही। ओके बच्चे एक मिनट। हां जी बच्चे, नाउ आर यू एबल टू सी? यस। तो बच्चे हमारे पास में टोटल शीट 75,000 अवेलेबल है and each sheet makes 8 pages, each sheet makes how many pages बच्चे? 8 pages, right? अब मुझे बताओ कि 75,000 sheets से 75,000 sheets जो हैं उसे हम कितने pages बना पाएंगे बच्चे? It will be 85 सा 40, 87 सा 56, 60 आ गया बच्चे। और ये जो 3 0 जो हमें इग्नोर किए थे ये हम यहाँ पे लिखते हैं। तो बच्चे हमारे पास में टोटल पेजेस कितने हो गए? We have 6 lakh pages. We have 6 lakh pages. Now हमारे पास में बहुत सारे पेजेस इकट्ठे हो गए लेकिन हमें तो नोटबुक बनानी है। नोटबुक में कितने पेजेस लगेंगे? Each notebook contains 200 pages. Number of pages in one notebook, number of pages in one notebook. एक नोटबुक में कितने बच्चे? 200 पेज यूज हो जाते हैं बच्चे, 200 पेज यूज हो जाते हैं। एक नोटबुक 200 पेजेस कंज्यूम कर लेती है। तो मुझे ये बताओ कि कितनी नोटबुक बना पाएंगे उसमें हर नोटबुक में 200 पेजेस होंगे 6 lakh पेजेस से। सो दैट विल बी 6 lakh डिवाइडेड बाय 200 पेजेस। 6 lakh पेजेस, सॉरी 6 lakh पेजेस को हमने क्या करा? 200 पेजेस से डिवाइड किया, तब जाकर हमें नंबर ऑफ नोटबुक्स मिल जाएगा। हमें नंबर ऑफ नोटबुक्स मिलेंगे, राइट? तो बच्चे यहाँ से 2 0 कैंसिल किए मैंने, 2 3 6, तो मेरे को पता चला कि 3,000 नोटबुक्स मिलने के लिए आई विल गेट टू बी 3,000 नोटबुक्स फ्रॉम 6 लाख के लिए साइड में चाहिए। बच्चे समझ में आया सबको? इज देयर एनीवन हु हैज अ डाउट? यस मैम। बच्चे all the examples of this topic are discussed with you. Now we will start with the exercise 1.2. बच्चे exercise 1.2 you need to do in your classroom notebook. Please, okay बच्चे? We are this needs to be done in your classroom notebook. We are doing exercise 1.2. ठीक है बच्चे? Now coming to the first question of the exercise. A book exhibition was held for 4 days. The number of tickets sold is at the counter on the first, second, third, and final day, respectively. Find the total number of tickets sold for 4 days. Now, children, अगर हमें पता करना है, fourth day की बात पता करना है कि first, second, third, fourth day के बाद कितने tickets sold out हुई है, we have to find all the tickets sold. So, you will write the answer. बच्चे, question number one के लिए आप space छोड़ दो बच्चे. नहीं तो अगर आपको लिखना नहीं है, that also is okay with me. You just have to mention exercise 1.2, question number 1, solution. Question number 1, the solution you will write. What is the solution? Number of tickets sold. Number of tickets sold. Number of tickets sold. Number of tickets sold on first day. बच्चे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे वो कितनी थी बच्चे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट वाज 1094। नाउ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द सेकंड डे, रीड द क्वेश्चन बच्चे। हाउ मेनी वर देयर? 1812 1812। नाउ थर्ड डे 2050। थर्ड डे 2050.
ठीक है बच्चे, 2751 मैम आप कैमरा को थोड़ा राइट साइड में कर दो मैम, अभी ठीक है बच्चे? ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। Please write down in the comment section once you are done writing this answer in your notebook. Camera adjust कर लीजिए. Camera बच्चे मैंने adjust नहीं किया है. मैं इधर से adjust कर रहा हूँ, आप इधर करोगे ना, इधर लिखोगे ना, तो इसलिए नहीं दिखेगी ना. हाँ बच्चे ठीक है. Okay, are you done everyone? Yes. Okay. The next question, children. Now coming to the next question. What does the second question say? Shekhar is famous cricket player. He has so far scored 6980 runs in the test matches. He wishes to complete 10,000 runs. बच्चे आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है नोटबुक में. जस्ट मेंशन एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन. जब भी आपको रेफर करना हो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, नोटबुक खोलिए, यू विल बी एबल टू डू दिस. विल रिड्यूस योर वर्क एज वेल एज इट विल बी इजी फॉर यू. व्हाई डू यू हैव टू राइट द क्वेश्चन व्हेन इट इज ऑलरेडी देयर इन द टेक्स्ट बुक? नाउ बच्चे, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर एंड ही वांट्स, उसने एक टारगेट बनाया बच्चे कि मुझे 10,000 रन स्कोर करने हैं. पर उसने अभी तक कितने रन स्कोर किए हैं? 6980 10,000 runs. Now, number of runs that he has so far scored. Number of runs already scored. Number of runs already scored. They were how many? 6980. So, बच्चे, how many more runs he needs to score to get the target of 10,000? More runs to be scored. कितने और runs score करने पड़ेंगे बच्चे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे? Minus करेंगे. हम दो इन दोनों का जब हम difference लेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि 6980 में से और कितने score करने हैं ताकि 10,000 में पहुँच जाए. 0 minus 0, 0.
बच्चे इसको जीरो बनाओगे, फिर ये टेन बनेगा, ये नाइन बनेगा, फिर ये नाइन बनेगा, फिर ये नाइन बनेगा। टेन माइनस एट टू, नाइन माइनस नाइन जीरो, नाइन माइनस सिक्स थ्री। बच्चे 3020 रन्स और स्कोर करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट ऑफ 10,000 रन्स। Now coming to question number 3 children. Bacha, are you done question number 2? Bacha, are you done question number 2? No ma'am. No? Okay, take some time and complete it bache. Done ma'am. Done? Okay. Done ma'am. Done ma'am. Done ma'am. Very good bache, very good. I'll be doing question number 3 over here. Okay. Election the successful candidate. बच्चे कभी भी election होता है तो there will be one person who will be winning the election and the other person will lose. So if there are two candidates, one person will win, second person will lose. So successful candidate registered 577,500 and his nearest rival scored 348,700 votes. By what margin did the successful candidate win the इलेक्शन? तो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो था बच्चे, उसने कितने एक्स्ट्रा रन स्कोर किए? मार्जिन का मतलब वही होता है बच्चे, एक्स्ट्रा कितना है, तो कितने एक्स्ट्रा रन उसने स्कोर किए जिससे उसकी विन हुई। तो बच्चे यू हैव टू फाइंड दैट, सो यू विल राइट नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ रन्स विनर स्कोर, द विनर मैम स्कोर। So how many runs did he score? Bache, it was 577,500. Now, how number of runs the loser scored? Number of runs, loser scored. The loser scored. है ना बच्चे? तो उसने कितना किया था बच्चे? उसने score किया था 348,700. ठीक है बच्चे, हमें तो मार्जिन निकालनी है, हमें मार्जिन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। जीरो में से जीरो में दो जीरो लगा दिया हमने, सेवन का सिक्स बनाया, फिफ्टीन माइनस सेवन, सेवन टू का फोर्टीन, सेवन एट सिक्सटीन। ना बच्चे ये सिक्स में से एट नहीं जा सकता, इसको हमने अगेन सिक्स बनाया, सिक्सटीन माइनस एट एट, 6 minus 4, 2, 5 minus 3, 2. So this was the difference. इतनी margin रही बच्चे, इतनी margin रही दोनों के बीच में। जो successful candidate था उसने इतने extra runs score किए, उसने 2,28,800 extra runs score किए ताकि उसकी जीत हो सके, ताकि winning the election, ताकि we could win the election. I hope this is clear to you children. वेरी गुड बच्चे, राइट इट, चले चले अब क्या करना है। Now, बच्चे, are you done writing the answer? Please mention in the comment section. Yes, ma'am.
वेरी गुड बच्ची डन मैम अंडरस्टैंडिंग वन मोर यू आर सो शार्प एट डूइंग मैथ्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू चिल्ड्रन यू आर वेरी गुड एट डी यू आर वेरी गुड एट मैथमेटिक्स Now children, let us move to the next question. हम question number 4 करेंगे अभी बच्चे. तो I have to shift the camera बच्चे. Now children, coming to the fourth question. Let me rub Now, Kirti bookstore sold books worth ₹2,85,891 in the first week of June and the books worth ₹4,77,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो बच्चे यहाँ पे हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप तो पहले ये बताओ कि कौन से वीक में which week had the higher sales? यानी दो वीक्स की अगर हम कंपैरिजन करें तो किसमें सबसे ज्यादा हायर सेल्स हुई है राइट दूसरा क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर किसी में ज्यादा हुई है तो बाय हाउ मच तो तभी निकलेगा बच्चे जब हम उन दोनों का डिफरेंस लेंगे ठीक है बच्चे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सेल्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 सेल्स इन फर्स्ट वीक of June. It was 2,85,000. Okay, sorry बच्चे. पहले आप ये काम करो बच्चे से second को ना बच्चे इस first को second करना है आपने. Because second week में ज़्यादा sales की है. How much they were? 4,768,000. 4,768,000. Now sales in first week of June. How much they were? They were 2,85,891. सेवन का सिक्स बनाया सिक्सटीन माइनस नाइन गिव्स मी सेवन ना फोर को हमने थ्री बनाया टेन नाइन इसको हमने सिक्सटीन बनाया फिर एट आया यहाँ पे नाइन माइनस फाइव फोर नाइन माइनस एट वन थ्री माइनस टू वन दीज वर द एक्स्ट्रा सेल्स इन द सेकंड वीक नाउ यू विल आल्सो गिव यू विल राइट दैट द नंबर ऑफ द सेल्स इन द सेकंड वीक सेल्स of second week were it's not ma'am board is all is sales of first week ma'am ye wala hum screen photo le lein kya June haan bachche aap screenshot bhi le sakte ho par aapko apni notebook pe likhna padega ye बच्चे ये कैमरा तो ऑलरेडी एडजस्टेड है अच्छी तरह से दिख रहा है बच्चे यस मैम ठीक है बच्चे ओके मैम Okay, ma'am. Now, children, the time is over, or we have to end this session over here. Ma'am, क्या आप कैमरा को लेफ्ट साइड कर दोगे?
बच्चे जहाँ पे आंसर है वहीं पे ही है। आपका कौन सा आंसर लिखना है बच्चे? मैम मत करना, एक मिनट बच्चे, मुझे मैम थर्ड का आंसर देखना है मुझे। क्लास बहुत अच्छा पढ़ाती बच्चे, दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर टू और थ्री भी लिखना है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट राइट नाउ। मैं कैमरा जो है उसे एडजस्ट कर देती हूँ। ओके मैम। बच्चे आर यू डन? कोई ऐसा बच्चा है जिसने क्वेश्चन नंबर टू थ्री नहीं लिखा है? कोई ऐसा बच्चा है जिसने क्वेश्चन नंबर टू थ्री नहीं लिखा है? प्लीज टेल मी। ओके देन आई अज्यूम दैट एवरीवन हैव यू एवरीवन ऑफ यू हैव क्वेश्चंस। लेट मी टेक योर अटेंशन। नो मैम, यू वांट टू राइट क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री और यू वांट टू राइट क्वेश्चन नंबर फोर? मैम क्वेश्चन नंबर थ्री का करना है मुझे। क्वेश्चन नंबर थ्री करना है आपको? ठीक है मैम, मैं एडजस्ट कर रही हूँ कैमरा को, रुक जाइए। अभी आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चे? यस मैम। डन मैम, टू और थ्री। ओके मैम, ऐसे ही रखना क्योंकि ऐसे ही क्लियर दिख रहा है, थोड़ा अच्छे से दिख। अच्छा ठीक है बच्चे, मैं ऐसे ही लिख दूंगी। बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लास में तो और क्लासरूम में तो एडेड हैं पर वो सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आस्क ऑल योर फ्रेंड्स टू अटेंड दिस सेशन। इफ यू थिंक दैट दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द बीइंग एक्सप्लेन्ड, प्लीज बच्चे ड्रॉप अ मैसेज टू योर फ्रेंड्स टू जॉइन द सेशन ऑन टाइम। ओके अटेंडेंस भी लगती नहीं है फिर। Your attendance is being taken and it is marked after every session. ठीक है बच्चे, आप attendance की चिंता मत करो बच्चे। बच्चों सब लोगों ने लिख लिया? सब लोगों ने बच्चे, किसी का कोई question नहीं छूटा है ना? No ma'am. शाबाश, I'm so proud of you. No ma'am. Thank you children for joining this session. I hope this session was thank useful. Thank you. Have a nice day ma'am. Bye-bye. Bye ma'am. Bye-bye. Take care. My next class bahut achhe se padhate. Thank you. Thank so you much. Ma'am for teaching. I love you all. You are so nice. You're so cooperative bache. You're so enthusiastic and you have so good at mathematics. Okay ma'am. Okay. Bye-bye. Bye ma'am. Bye ma'am. Thank you ma'am for teaching us. Thank you.